जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। पहले सुन लो, फिर करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है? एक और प्रैक्टिकल की वीडियो भी करके डाल दूंगा इसी चैनल पे या दूसरे पे, लेकिन आप समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले सबसे पहले हमारा दरबार देखो, दरबार दिखाओ। हाँ, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको संकट हारी उतारा, जो आप उसको ओसरा के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है? उसका हम बोलते हैं संकट हारी उतारा। घर में संकट बसे हुए हैं, 1, 2, 10, 50 या किसी आदमी के ऊपर भी हैं, तंग करते हैं, तो हमने जल विधि बताई है, धूनी विधि बताई है, संकट काट विधि बताई है। 50 से 60 से 70% आराम उससे मिलता है आपको। उससे भी आराम अगर 1% नहीं मिल रहा है, तो परमानेंट सॉल्यूशन आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं, संकट हारी उतारा। वो बनाने का तरीका सब बताऊँगा, किसका क्या क्या भोग लगता है वो भी बताऊँगा। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, शायद वीडियो लंबी भी हो, लेकिन सही से समझ लोगे तो सही रहेगा। मेहंदीपुर बालाजी में कौन कौन विराजमान है? श्री राम प्रभु जी, लक्ष्मण भैया, सीता माता, हनुमान जी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज जो कि हनुमान जी का छोटा रूप में, बाल रूप में है, प्रेतसा सरकार, दीवान सरकार, भैरू बाबा और समाधि वाले बाबा। काली माँ भी हैं तीन पहाड़ी पे, लेकिन इनको बोला जाता है बालाजी सरकार सबको। इन सब का थोड़ा थोड़ा भोग लिया जाता है, वो रखा जाता है और नारियल भी होता है। उन सब के बारे में बताऊँगा कौन सा किसका होता है। सबसे पहले ओसारा बनाने के लिए, संकट हारी उतारा बनाने के लिए आपको क्या करना है, घर में झाड़ू लगा लेनी है। मंगलवार या शनिवार के दिन ये काम करना है। झाड़ू लगा के हर कोने में थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, मिट्टी। अब आप ये बोलेंगे कुछ घरों में मार्बल बिछे हुए हैं और कॉम्पैक्ट रहते हैं, तो उसमें आपको कहीं पे भी मिट्टी मिलती नहीं है, झाड़ू भी लगाएंगे तो मिट्टी नहीं मिलेगी। उनको क्या करना है, वो थोड़े से चावल ले लेंगे, साबुत चावल, टूटे हुए ना हो, और थोड़ा सा हल्दी में उसको रंग लेंगे। रंगने के बाद हर कमरे में बखेर देंगे रात के समय, थोड़ा थोड़ा ऐसे बिखेर देंगे थोड़े थोड़े, और सुबह झाड़ू लगा के उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। वो ऐसा करेंगे, समझ रहे हो? धूल नहीं है जिनके घर में, वो ऐसा करेंगे, थोड़े से चावल लेंगे मुट्ठी, हल्दी मिला लेंगे उनमें, पीला कर लेंगे और अपने घर के चारों कोनों में डाल दो या फिर ऐसे बिखेर दो, ताकि सुबह उठो आप तो सबको झाड़ू से लगा कर इकट्ठे कर लो। एक तरह से वो हो गई आपकी धूल, समझ लो उसको, वो हो गई, ठीक है? अब हम ओसारा बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, और इसमें आपको मेहंदीपुर बालाजी में जाके पूरे संकट को कैद करके नारियल में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? और वो तरीका क्या है, पूरा का पूरा तरीका आपको बताऊंगा मैं। देखते रहे वीडियो, शुरू करते हैं। पहले तो आप लेंगे क्या 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 चीजें लेंगे वो सब देखते रहना आप, ठीक है? सब की सब चीज देखते रहना, पूरा बना के दिखाऊंगा आपको। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेंगे, कहीं भी किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। ये अपने घर के संकटों को, जो नहीं जा रहे हैं, केड़े संकट हैं, मोटे संकट हैं, उनको बांध के मेहंदीपुर बालाजी ले जाने का तरीका है, ठीक है? वो मैं बताने जा रहा हूँ, रुक दो इसको। ये आप काम करेंगे मंगलवार या शनिवार के दिन नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद, ठीक है? क्या क्या सामान लेंगे वो सब इसमें डालता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। दरबार लगा लेंगे पहले अपने घर पे, पूजा पाठ जो भी मंत्र जाप वगैरह करते हैं वो सही से कर लेंगे। 1.25 मीटर जो लाल कपड़ा है उसे बिछा लेंगे, इसे थोड़ा जगह बना देते हैं। उधर से ये देखिए, ये कर लिया हमने। सबसे पहले
राई होती है, सफेद राई, सॉरी सफेद सरसों, पीली सरसों जो बोलते हैं इसको, पीली सरसों, कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन आती है, इसको लें कम से कम एक मुट्ठी। ये समाधि वाले बाबा का भोग होता है पीली सरसों, हाथ में लेकर उनसे विनती करेंगे, प्रभु हे समाधि वाले बाबा, ऐसे करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम दीपक शर्मा है, ठीक है। पहले आप विनती सबके लिए एक ही बार में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको राई को समाधि वाले बाबा का ध्यान करके इसमें कोने पर रख दीजिए, इकट्ठी कोने पर रख देंगे आप। एक कोने पे इकट्ठे हो जाने चाहिए। देख लो पूरा सही से दिखाओ, ये पीली सरसों समाधि वाले बाबा के लिए होती है, एक काली उड़द ले लेंगे, एक मुट्ठी काली उड़द साबुत होनी चाहिए, साबुत अगर नहीं है, अगर साबुत नहीं है तो दाल ले सकते हैं, काली उड़द की दाल, ये भैरव बाबा के लिए होती है, भैरव बाबा का ध्यान करेंगे, भैरव बाबा आपके लिए भोग भेज रहा हूँ, स्वीकार करें, इसको भी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। दिखा दो उनको सब, ये साबुत चावल ले लेंगे, देख लो साबुत होने चाहिए, टुकड़े वाले नहीं होंगे, महंगे होंगे बेशक ले जाओ, 10 रुपए के 20 रुपए के, साबुत होने चाहिए, ये प्रेतराज सरकार के होते हैं, प्रेतराज सरकार को ध्यान करके, हे प्रभु प्रेतराज सरकार मैं आपका भोग इसमें रख रहा हूँ, स्वीकार करना। आखिर में जो अरदास की विनती है वो पूरी बताऊँगा कैसे करनी है क्या करना है, पहले रख लो सामान को, ये रख लिया आपने, तीन हो गई चीज़ें, अब हम लेंगे लौंग का जोड़ा, लौंग के जोड़े या तो 7 रख सकते हैं या 11 रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 टूटी हुई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, 9 छोटी होगी चलेगा, 10 टूटी नहीं होनी चाहिए, 11 देखो ऐसे फूल होने चाहिए पूरे उस पर, ये देखो दिखाओ मेरे को पूरा पास से, ये ऐसे फूल वाली लौंग होनी चाहिए, कहीं से खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, फूल पूरा होना चाहिए, ये 11 जोड़े ले लिए हमने, ठीक है, खंडित वाला नहीं लेंगे बिल्कुल भी, 11 लौंग के जोड़े, पहले हमने रखे सरसों, ठीक है, पीली सरसों बाबा की और समाधि वाले बाबा की, काली उड़द भैरव बाबा की, वाइट प्रेता सरकार की, ठीक है, और एक 11 लौंग के जोड़े रखेंगे हम बालाजी महाराज के लिए, काली माँ के लिए, काली माँ के लिए लौंग, ये लौंग का भोग, ठीक है, हनुमान जंजीरा का जाप करेंगे 5 बार और काली माता का ध्यान करेंगे, जय काली माता, जय काली माता, रामचंद्र जी लक्ष्मण को हनुमान पहलवान 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 प
ये लौंग के जोड़े भी साथ में रख देंगे इसमें, ठीक है, 11 लौंग के जोड़े साथ में रख देंगे। ये माता काली के लिए हो गए। अब एक चीज और, एक पांचवी चीज और, चार चीज हमने मिला ली, पीली सरसों, काली उड़द की दाल, सफेद चावल प्रेता सरकार के, लौंग काली माता की, और काली उड़द की दाल भैरव बाबा की, ये समाधि वाले बाबा के लिए। अब दीवान सरकार के लिए पीली हल्दी की गांठ, कुछ लोग पीले चावल कर देते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम हल्दी की गांठ रखते हैं, ठीक है, दीवान सरकार का ध्यान करते हैं, दीवान सरकार सुधार दीजिए, ये आपका हो गया। अब ये हमने काम कर दिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप करना है आपको। जितने लौंग के जोड़े दिए हैं हमने रखे हैं उतनी बार, अभी नहीं करेंगे, पूरा अवसारा तैयार करने के बाद करेंगे हनुमान जंजीरा मंत्र। और अब फाइनली जो रखने जा रहे हैं हम, दरकास के यानी विनती करने के 10 रुपये बाबा के रखने जा रहे हैं। गोला भी रखेंगे, नारियल भी रखेंगे, बीच में सूखा वाला नारियल लगा, ये देखो ऐसा नारियल होता है, ठीक है, देख रहे हो इस तरह का नारियल, नारियल पानी वाला नारियल होता है ना, वैसा नारियल होता है, नारियल पानी वाला नारियल, ये वाला नारियल रखते हैं, तो ये वाला नारियल रख देंगे इसमें यहाँ पर, ठीक है, और ये दरखास्त के 10 रुपये। अब विनती करेंगे, विनती सुन लेना आप सभी, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण वे सीता माता हनुमान जी महाराज राम दरबार की जय हो। मेहंदीपुर में मेहंदीपुर सरकार बालाजी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज, मैं दीपक, मैं बोल के बता रहा हूँ वैसे ही करना है, मेरे नाम पे जगह आप अपना नाम है, अपने पिता का नाम लेना, ठीक है, मैं दीपक शर्मा, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री सौंदर शर्मा, गोत्र शांडिल्य, हमारा एड्रेस है बी पार्क नगर 1 नियर 94। कृपया करके हमारे घर में किसी तरह का भी कोई संकट है, भूत प्रेत जिन डाकनी शाकनी चुड़ैल, कोई तरह का तंत्र किया हुआ है किसी ने, अघोरी तंत्र, काली तंत्र, किसी तरीके का भी टोना टोटका, नेगेटिविटी भी छोड़ी हुई है किसी ने किसी तरह से भी, उन सब को इस नारियल के बंधन में, संकट हारी उतारे में कैद कर लीजिए बाबा, और मैं ही आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। आप विनती कर सकते हैं कितने दिन के लिए आपको रखना है, मान लो अभी 2-4 दिन में जाना नहीं है आपका, 3 महीने में जाना है, तो 3 महीने की विनती कर सकते हैं कि मैं प्रभु 3 महीने में आऊँगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, और उससे पहले ही जितना आप टाइम देंगे उससे पहले ही आपको लेकर जाना होगा ये वहाँ पर, ठीक है, विनती करेंगे प्रभु मैं इसको लेकर आपके पास आऊँगा मेहंदीपुर, और इसमें मैंने प्रेत्रा सरकार के चावल भी रखे हैं, भैरव बाबा की काली उड़द की दाल भी रखी है, दीवान सरकार की हल्दी भी रखी है, समाधि वाले बाबा की मैंने इसमें पीली सरसों भी रखी है, काली माँ की मैंने इसमें लौंग भी रखी है, और ये सब भोग आप पूरे बालाजी सरकार को मैं बोलता हूँ स्वीकार कीजिए, और मेरे घर के सारे संकटों को लेकर चलिए साथ में, पकड़ के इसमें कैद करके अपने पास रख लेना, और यहाँ बिल्कुल भी ना रहे, जरा सा भी कोई संकट ना रहे। और मैं आपसे विनती करता हूँ, आपकी जो हनुमान जंजीरा की जंजीर है, उस जंजीर के माध्यम से संकटों को बांध के इसमें कैद करो बाबा, और मेरे घर से सारे संकटों को अपने साथ लेकर चलो, और वहाँ पे अपने पास रख लेना हमेशा के लिए, वो वापस ना आए कभी भी, हमेशा के लिए बंधन में आ जाए बाबा, इतनी कृपा करो, ऐसे विनती करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे बांधना है, विनती करने के बाद हाथ जोड़ लेंगे, बालाजी महाराज का ध्यान करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप विनती कर सकते हैं इतने अच्छे तरीके से आप विनती करेंगे, ठीक है।
इन सब चीज़ों को सही से लगा देंगे। एक मिनट जरा मैं माला को पहन लेता हूँ ताकि सही से हो पाए। इसको ऐसे लपेटेंगे, देखो ठीक है, यहाँ तक लपेट दिया। इसके बाद इसको ऐसे करेंगे, देख रहे हैं आप, सही से देखते रहना, और फिर इसको एक बार और लपेट दें ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे। जितना अच्छे तरीके से टाइट करें उतना अच्छा रहेगा, कोई भी चीज इसमें से गिरनी नहीं चाहिए। अभी इसे उठा लेंगे, अभी इसे बांधेंगे नहीं, आप इसे बांधेंगे नहीं, अभी बांधने का तरीका भी बताऊंगा। उससे पहले आप अपने घर के हर कोने में इसको घुमा के लाएंगे, ठीक है, बांधा नहीं है मैंने अभी, हाथ में ही है मेरे, ऐसे हर कोने में घुमा के लाएंगे, उसके बाद कलावे से बांधेंगे। हनुमान जंजीरा का जाप करते हुए अभी अपने घर में आपको हनुमान जंजीरा का जाप करते हुए लेके जाना है कम से कम 11 बार, और ये बोलना है कि मेरे घर में जितने भी संकट हैं सब इसमें आ जाओ और चलो मेरे साथ, मैं मेहंदीपुर बालाजी लेके जाऊंगा आपको और आप सबकी मुक्ति हो जाएगी ऐसे, ठीक है। मैं उठता हूँ और मैं भी वो करके आता हूँ जो मैंने बताया आपको, दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा और वो प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको पता चले, ठीक है। पूरे घर में घुमाना है इसको, भी बांधा नहीं है मैंने, खुला ही रखा हुआ है, खुले में ही लेके जाना है इसको, ठीक है। शुरुआत करते हैं कौन ऐसे ही, कपड़े पड़े दिख रहे हैं। ठीक है, इतना हमने कर दिया है, रुक दी नहीं, इतना हमने कर दिया है, अब खुला हुआ ही है, हमने बांधा नहीं है। अब आपको घर की मिट्टी रखनी है, इसमें इतना घुमाने के बाद घर की मिट्टी रखनी है थोड़ी सी, वो बता देता हूँ, देखो ऐसे ये घर की मिट्टी हमने ली हुई थी, एक कागज लिया होगा जरा, एक छोटा सा कागज, ये पापा ये है यहाँ पे है, चलो यहाँ पे है, इसमें घर की मिट्टी ये पिन्नी समेत रख लेते हैं, ये लिफाफे में रखते पिन्नी में,
पूरे घर की सारी मिट्टी नहीं रखेंगे, थोड़ी सी रखेंगे, बोले ऐसे ही ना हो कि पूरा वो हो जाए। ये मिट्टी को इस तरीके से अर्घ देंगे। अभी तो खुला हुआ ही है, हमने बांधा तो था नहीं है, ठीक है ना। ये रख दें, अब ये रेडी है। मिट्टी रखने के बाद हाथ में रख के बालाजी की तरफ करके विनती करेंगे, बाबा जो हमने विनती करी थी वही। आपके पास खोलावा होना चाहिए, विनती जो अभी हमने करी थी वही करनी है, ठीक है। अब जो परमानेंट ये बंद हो जाएगा, फिर नहीं खोलना है, ठीक है। और नीचे भी रखा नहीं जाएगा, अभी धरती पे रखा नहीं जाएगा। जितना अच्छे तरीके से इसमें कलावा लपेट दो उतना अच्छा है। बाबा का नाम लेते संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौस अजर विहार दीन याद गिर संभारे हरु नाथम संकट भारी मंगल एहमान दरवश करवन हाथ में दोनों हाथों हाथ मार आओ अब हनुमान मेरी भक्ति की दूसरे जय शिवा। ये आपको गांठ नहीं मारनी है, ये लपेट दिया हमने बाबा का नाम लेके, गांठ नहीं मारनी है इसमें, ऐसे ही लपेट देना है इसको, ऐसे गांठ नहीं मारनी है, ठीक है। कला ऐसे ही लपेटेंगे इसको। अब जो जितने भी घर के आपके सदस्य हैं सबके ऊपर सबको एक साथ बिठा करके, सबको एक साथ बिठाना है और सबके ऊपर से 11 बार उतारना है इसको, और 11 बार उतार के 11 बार हनुमान जंजीरा का जाप करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की जंजीर में संकट को पकड़ के इसमें कैद करके लेके जाएंगे आप। संकट हारी उतारा, जिसे आप उसारा भी बोलते हैं, हनुमान जंजीरा मंत्र का जाप करेंगे आप घर में सबको एक साथ बिठा करके। 21 बार नहीं करना है, 11 बार करना है, क्योंकि 11 लौंग के जोड़े डाले हमने इसको, और पूरे बालाजी सरकार का ध्यान करना है। अब मैं भी करने जा रहा हूँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो करेगा वो भी अपने ऊपर से उतारेगा, ऐसे नहीं वो घर वालों को सबके लिए उतार दिया और अपने ऊपर से नहीं उतारा, अपने ऊपर से भी उतारना है, क्योंकि उन सबके संकट हट जाएंगे लेकिन आपके ऊपर रह जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो, ठीक है ना। आपको भी करना है, तो मैं भी वो करने जा रहा हूँ, देख सकते हो तुम भी। जय बाबा की, ध्यान रखिए लाजर की बात, स्वीकार करिए बाबा, लेके आओ तुम्हारे पास पहलवान 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 पर आगे पीछे
ओ मनमान पहलवान पहलवान बरसवारा बरसवारा खेल खेल बरसवारा बरसवारा मैं कहता हूँ जिसमें 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 ओ हनुमान पहलवान पहलवान बरसवार का जवान खेल खेल रामचंद्र जैसे हनुमान के रूम हनुमान पहलवान पहलवान बरस बारह जवान खेल खेल में लोगों का जवान जो है वो लागे उसमें से लोगों को जरूर जाता था मान का काफ़ी लोगों का सी जाग दे दूँ मुर्गा जो बजे बड़ा लागे दिन किसी भी चल रहा चल नहीं आज है बजे बजे के पिन की रक्षा रहा है राम चंद्र के लक्ष्मण का हनुमान का रूम ओ हनुमान पहलवान पहलवान बरस बारह जवान खेल खेल में लोगों का जवान जो है वो आयो जितनी बार मंत्र पढ़ा है इसमें बोले खूब मार देंगे आप और बाबा के दरबार में बैठ के नीचे नहीं रखेंगे इसको हाथ से विनती करेंगे ऐसे हाथ में लेके बालाजी महाराज मेहंदीपुर बालाजी महाराज प्रेतरा सरकार दीवान सरकार भैरव बाबा समाधि भैया बाबा हे काली मैया हे बालाजी सरकार हे बालाजी सरकार की समस्त शक्तियाँ सिद्धियाँ दूत महाराज से मेरी विनती है कि मैं संकट हारी उतारा अपने सभी परिवार के ऊपर से जो मेरे परिवार के सदस्य हैं वो उनके नाम भी बताने आपको मैं दीपक शर्मा बिंदु शर्मा भव्य शर्मा दिव्यांशी शर्मा रामधारा ये मेरा परिवार है इनके ऊपर कैसे भी कोई संकट बीमारी भूत प्रेत टोना टोटका जिन डाकनी शाकनी चुड़ैल खबीस तंत्र क्रिया घोर क्रिया कैसी भी क्रिया किया कराया कुछ भी हो उसकी काट करें और सब संकटों को अपने साथ इसमें समाहित कर दें हनुमान जंजीरा से बांध के और इसको मैं अपने आपके धाम में लेके आऊँगा और वहाँ पर स्वीकार कर लें बाबा इसको और सारे संकटों को वहीं रख लें मेरे घर को किसी भी तरह के संकट से मुक्त कर दें अगर है तो कृपा करें और हमारे पितरों को साफ करें स्वच्छ करें स्वीकार करें इतना कह के इसको आप मंदिर में या ऐसी जगह रखें जहाँ ये छेड़ा ना जाए 3 महीने बाद जाओगे तो 3 महीने से पहले 3 महीने का आपने अरदास में बोला है मैं विनती करते समय 3 महीने बोला तो 3 महीने तक से पहले आपको जाना है अगर टाइम पार होगा 3 महीने से ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारी ध्यान रखना जितने भी संकट इसमें कह दूँगा सब वापस निकल आएंगे और एक बार मिनिमम और मैक्सिमम 5 बार ऐसा करना है बहुत तगड़ा संकट है तो 1 बार में नहीं जाएगा 2 बार में नहीं जाएगा किसी घर में भूतों की टोली है कभी कभी ऐसा होता है नहीं हो पाता है तो 5 बार कैसा करना है उसको 5 बार मतलब 5 महीने लगातार जाना है 5 बार 5 नारे लेके जाना है ऐसे संकटहारी उतारे बना करके ठीक है तो ये समझ गए होंगे आप एक बार आप कीजिए फिर अगली बार कीजिए फिर तीसरी बार चौथी बार पाँचवीं बार में 100% आपका संकट हट जाएगा शरीर से निकल जाएगा घर से निकल जाएगा रोग बीमारी जिसके ऊपर है उसके ऊपर से उतारना है घर में रोग रहता है बीमारी रहती है ठीक है इसमें हमने आपको जो जो सामग्री बताई हैं वो सारी सामग्री आपको मार्केट में पंसारे की दुकान से मिल जाएंगे अब इसको हम संभाल के रख देंगे जिस दिन लेके जाएंगे जिस दिन जैसे मान लीजिए मुझे 10 तारीख को 12 तारीख को 15 तारीख को मेहंदीपुर वाला ही जाना तो जाने से 15 मिनट पहले इसको लेके हाथ जोड़ के
सबके ऊपर से एक एक बार और उतारेंगे ऐसे ही 11 बार करके, और फिर लेके सीधे चले जाएंगे बिना किसी से बात करे, उतार करके बिना बोले सीधे निकल जाएंगे बाहर बिना पीछे मुड़े, और जाते समय बोलेंगे सारे संकट जो भी घर में मैं है मेरे इसमें समाहित होकर मेरे साथ चले ऐसे, और फिर मेहंदीपुर में जाके वहाँ पे मंदिर में जा करके इसे पुजारी जी को दे देंगे। बस पुजारी जी अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहाँ कहीं पर भी रख देंगे जाके मंदिर के अंदर, वहाँ पर भी लोग ले लेते हैं और ये आपका संकट वहाँ पहुँच जाएगा। स्वप्न के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे बालाजी महाराज, नियम जरूर करने आने के बाद 41 दिन 21 दिन या 11 दिन ठीक है, ये नियम जरूर होते हैं, कम से कम 41 दिन तो होते ही होते हैं, इस पर संकट बहुत सारे इनकी समस्या ज़्यादा है, जो ऐसी नॉर्मली छोटी मोटी परेशानियों के लिए ले जा रहा था वो 11 दिन का करेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से 41 दिन के इसमें वो करने ही करने हैं। और इन 41 दिन में जिनको संकट है उन 41 दिनों में जो जो इसमें हमने डाला है उन चीज़ों का परहेज होगा, चावल नहीं खाएगा वो, काली उड़द नहीं खाएगा वो, ठीक है, और तुम्हारा ये तुम्हारा क्या काली उड़द होगा, और ये दूध से बनी चीज़ नहीं खाएगा, दूध दही घी वगैरह ये सब चीज़ें, लहसुन प्याज अंडा मांस वाली दारू पीने तो बंद रहेगी, ठीक है, इस चीज़ों का परहेज रहेगा। और विनती करके आप ऐसी जगह रखते हैं जब कोई बच्चा भी हाथ ना लगाए, रोज़ हाथ नहीं लगना नहीं चाहिए, अब रोज़ हाथ लगना नहीं चाहिए, एक जगह टांग दें ऐसी कौन जगह में रख दें जब उसी से हाथ लगना चाहिए जब बालाजी जाना है। जय श्री राम, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, एक वीडियो और बनाऊंगा ऐसे ही, उसमें और प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा, जब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।